नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। भोपाल, यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों में अब इस तरह की, भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। देश की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। प्रदेश में 90 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने में दिन रात काम कर अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। रविवार को लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन किताबों को लॉन्च करेंगे। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का भी एक विशेष स्थान है। मातृभाषा के रूप में हिंदी को आगे बढ़ाने की दिशा में मध्य प्रदेश ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और हिंदी के जानकारियों के MBBS फर्स्ट ईयर की किताबों का अनुवाद संस्कृत में तैयार किया गया। रेत की कालाबाजारी में नेता अधिकारी लिप्त। मोनिकॉन सम्मेलन में फडणवीस का दावा, भ्रष्टाचारी को दी चेतावनी। प्रदेश में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कहा है कि कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी रेत घाट की कालाबाजारी करते में लिप्त है। यह सरकार पर्यावरण, नदियों और जैव विविधता का नष्ट होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे करने वालों को जेल में डाला जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसी प्रकार के उद्योग किए जाने वाली बिजली सब्सिडी में गड़बड़ करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। फडणवीस वेद एवं महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडल द्वारा आयोजित मनीकॉन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में बोल रहे थे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को इसी मंच अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों को खरी खरी सुनाई। आज फडणवीस ने मोर्चा संभाला। उन्होंने मंच से ही महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडल से अध्यक्ष आशीष जायसवाल से पूछा कि महामंडल को रेत घाट अवकटित हुए नहीं जाने से जायसवाल के न बोलने और 2 साल से टीपी नहीं मिलने की जानकारी देने पर फडणवीस अधिकारियों पर बरस पड़े। 2 बेटियों संग मां ने नदी में कूद कर दी जान, 3 के शव हुए बरामद। भंडारा तहसील के ग्राम टिड्डी की घटना। पारिवारिक विवाद में विवाहिता ने अपनी 2 बेटियों के साथ वैनगंगा नदी में कूदकर जान दे दी। घटना भंडारा तहसील के कारथा थाना क्षेत्र के ग्राम टिड्डी में शनिवार को सुबह करीब 8:30 बजे प्रकाश में पाई गई। 3 के शव बरामद किए गए। मृतकों में दीपाली खंगार 28 वर्ष निवासी टिड्डी, देवांश खागर 3.5 वर्ष और वेदांशी खंगार 1.5 वर्ष शामिल है। पुलिस के अनुसार दीपाली शुक्रवार की रात 11 बजे अपनी 2 बेटियों को लेकर बिना बताए घर से निकल गई थी। दीपाली के पति शीतल खंगार 33 वर्ष को आज सुबह नींद खुलने पर पत्नी और 2 बच्चे घर में नहीं नजर आए। शीतल ने उसकी खोज शुरू की लेकिन वे कहीं नहीं मिले। इस दौरान नदी के पास गुजर रहे मछुआरे को नदी में एक बच्चे का शव दिखाई दिया। उसने उसकी जानकारी गाँव में आकर कारधा पुलिस को सूचित किया। जानकारी के मिलते ही कारधा के थानेदार राजकुमार थोरात सदलबर के मौके पर पहुंचे और मछुआरों तैराकों की मदद से 3 के शव बाहर निकाले। पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दीपाली की बेटियों के साथ आत्महत्या के वास्तविक कारणों का भी पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज भी आपसे डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाइकू फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार।